वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि क्या हुआ है। तो मीशो ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो मुझे रिसीव हुए हैं 2 पार्सल सेम ड्रेस के, ये जो मैंने कैरी किया है, और उसमें एक में है 2 क्वांटिटी, लेकिन मुझे एक ही रिसीव हुआ है और एक में उसका जो रिसीव हुआ है वो उसका प्राइस और ठीक है, और उसका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो साइज़ डिफरेंट की वजह से उसको रिटर्न करेंगे और वो दूसरा वाला पैकेट भी रिटर्न करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा सिर्फ एक प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, लेकिन हमारे 2 क्वांटिटी के हिसाब से उन्होंने पैसे लिए हैं। तो ये बहुत ही फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है मीशो से। तो पहले भी मैंने मीशो से शॉपिंग की थी, लेकिन पहले ऐसे कुछ नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो, और मैंने रिटर्न का ऑप्शन कर दिया है, और मतलब रिटर्न के लिए मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि 1 to 3 डेज़ में वो अपना पिकअप मैन भेजेंगे और फिर उसके बाद वो रिटर्न होगा। तो अभी देखती हूँ मैं कि वो कब तक आएंगे और ये होता है कि नहीं। और सबसे बड़ी गलती हो गई कि जब पार्सल रिसीव हुआ तो मैं घर पर नहीं थी और मेरे फ़ोन से ही ऑर्डर हुआ था, तो इस वजह से जो भी घर में थे मेरे, तो उन्होंने ये रिसीव कर लिया और उनको पता भी नहीं चला। तो फिर ये बहुत ज़्यादा क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मैसी हो गया है सिचुएशन, कि अभी आगे क्या होगा नहीं पता। और मैंने बहुत जगह देखा है, कभी इस तरह की मेरे साथ इस तरह का कुछ नहीं हुआ था कि मीशो से ऐसी गलती हो और मुझे रिटर्न करना पड़े। तो मैंने सुना है कि मीशो से नहीं होता है रिटर्न और रिफ़ंड भी नहीं होता है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो आगे का जो भी होगा, पिकअप मैन आएगा क्या, मतलब उसके बाद का जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मीशो से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी ऐसी गलती कर देते हैं। अगर रिफ़ंड कर देता है तो फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, और मुझे डर लग रहा है कि शायद हो भी ना हो, मतलब जैसे कि आजकल मैं देखी हूँ कि रिव्यू मीशो के अच्छे नहीं होते, और मतलब कि रिफ़ंड की जब बात आती है तो वो रिफ़ंड नहीं करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे हैं कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। तो मैं बहुत क्या बताऊँ, तो मेरे से लिए हैं, ये ड्रेस है 444 का, और मेरे से ले लिए हैं मतलब 448 2 ड्रेस का, तो 888 एक पैकेट में मेरी मम्मा ने दिया है और 100 एक पैकेट का 444 ही दिया। तो 444 वाला तो ठीक है, लेकिन 888 वाले में पहले से क्वांटिटी 2 लिखी है लेकिन रिसीव एक हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा रिसीव हुआ है, फिर आप देखना और आप ध्यान से शॉपिंग करना अगर कर रहे हो तो, और इसके बाद रिफ़ंड होगा कि नहीं उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी, कि मेरे साथ जो भी होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये कैसा ड्रेस है वो भी मैं आपकी स्क्रीन में शो कर देती हूँ और दिखा देती हूँ मुझे पैकेट रिसीव कैसे हुए हैं। क्वांटिटी 2 है यहाँ पे, और मेरा ऑर्डर नंबर आप सब देख सकते हो, और मैंने पे किया है 888, और इसमें ही था क्वांटिटी 2 और सिर्फ एक ही रिसीव हुआ मुझे। तो मुझे बहुत गंदा लग रहा है अभी कि एक ही रिसीव हुआ है, ऊपर से हमने पे कर दिया है, क्योंकि पैकेट पहले नहीं खोलते हैं उन लोग, कैश कलेक्ट करने के बाद पैकेट खोलने देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो गई है मीशो से, और मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है पैकेट फ्रेंड्स। और ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे रिसीव हुआ है एस साइज, एक्सेस साइज़ में, लेकिन एस इसमें मेंशन है, और यही मैंने अभी पहना हुआ है। और इसका जो प्राइस है वो भी आपको दिखा देती हूँ, इसमें कलेक्ट हुए हैं 404 रुपीज़। तो देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है मीशो से अभी, मैं क्या ही करूँ। अब मैंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आई एम सो नर्वस कि क्या होगा आगे, और मीशो रिटर्न करेगा, एक्सचेंज करेगा कि नहीं, और रिफ़ंड कर पाएगा कि नहीं। तो ये दोनों ड्रेसेस का पैकेज मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप ऐसी गलती ना करें, और मीशो की जो डिलीवरी है और डिलीवरी मैन है उस पर ज़्यादा भरोसा ना करें, पहले आप चेक कर लें। डिलीवरी मैन आए तो आप ज़्यादा उस पर बिलीव ना करें, और पैकेट को अच्छे से चेक कर लें, कहीं से वो खुला नहीं हो। तो अभी हमें रिटर्न करना पड़ेगा, और वो ऑप्शन भी नहीं था कि 2 प्रोडक्ट अगर मिसिंग हो तो क्या करें। तो मुझे डर लग रहा है कि आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा वो मैं आपके साथ ज़रूर उसके अपडेट्स आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब वो डिलीवरी मैन आएगा या जो भी होगा। दिस वीडियो विल हेल्प यू, टिल देन नॉट बाय बाय, टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर फर्दर अपडेट्स। सो